में लग रही है गोली, और जो कि इधर से निकल गई मिडिल साइड से थाई के, और दूसरी गोली इसके पीठ में नीचे इससे लगी। मैं भी मेडिकल लाइन पर हूँ, ठीक है। अगर 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 6 घंटे में ECG और BP चेक हुआ है ना, तो इस तरह बढ़िया PGI ने बंद कर दिया। कोई भी गोली काट दी नहीं है ना जी, पहले पकड़ लिया, एक ने गोली मारी, दूसरे ने गन खोस ली मेरी। नाम है ना इसका, और इसका गिल्ला जो और कर्मचारी थे उनके क्या नाम है भाई? उनका नाम नहीं पता, उनका नहीं पता। वह तो ये चाचा जी बता रहे थे, जब गोली चली हो तो भाग गया। हम तो वहाँ कैश डालने गए थे ATM में, गाड़ी रोक के पीछे से एकदम वारदात। यह पब्लिक की आवाज है, और ये ठीक कब है मेरे पास इलाज शुरू होगा। रोहतक पूरा रोहतक जो है दहल गया आज, और फिलहाल जो है रोहतक के ट्रामा सेंटर में मौजूद हाँ, यानी के 3 करोड़ की बड़ी लूट, और दिन दाड़े वो भी उसके बाद जो कर्मचारी है जिसके गोली लगी उसका तरफ पहुंचे हैं। मामला किस तरह का है फिलहाल जो है, हालांकि SP साहब का न्यू दावा है कि पूरा रोहतक हमने सील कर रखा है, और जैसे हमने रोहतक में एंट्री करी किते हमने किते सील बंदी पाई को नहीं। 4 नंबर किधर है वो जो आज जो गोलीकांड हुआ था? अंदर है, अंदर है। तो पूरा रोहतक में आज जो है हालात काफी खराब, पूरा दहशत में है मामला, और फिलहाल जो है रोहतक का ट्रामा सेंटर में हम पहुंचे हैं, और जो कर्मचारी है उस पर पूछांगे भाई किस तरह के हालात, क्यों कर हालात पैदा हुए हैं, के मामला बना था। और फिलहाल उस कर्मचारी किधर है, यही है हाँ जी। कैसी तबीयत है जी आपकी? वैसे तो ठीक हो जी। तो इसलिए गोली काट दी नहीं है ना जी? तो फिलहाल भाई या तो इनका भीतर में गोली लग रही है, लेकिन एक भ्रष्टाचार की गोली भी चल रही है फिलहाल, जिसकी भेंट चढ़ गए। क्या नाम आपका जी? रमेश। रमेश, तो फिलहाल लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, जिला के वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, बड़ा मामला है। जो गुंडा तत्व हैं, जो बदमाश हैं, उनकी एक्टिविटीज हैं जबरदस्त वाली, बहुत तेज गति है, सुपर फास्ट तरीके है। जबकि अपना प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो प्रशासन का जो रवैया है वो तो हम देख सको। तो किस तरह के मामला बनया जी? कैशमैन पर ड्यूटी दी जी मेरे। अच्छा जी, हाँ गौरव भाई, ये लाचार व्यवस्था, और न्यू है हमारा जो प्रशासन है वो भी लाचार है। आड़े वीडियो बनाने तो रोकने लग रहे हैं, लेकिन वह जो लूटपाट हुई और उस टाइम जो लापरवाही करी गई, और उसमें जो सुरक्षा के ऊपर सवाल है उनका, कि हम 2:30 बजे लेकर आए थे नाड़, जब पाछे ये सिर्फ इनका CT scan और सिर्फ अल्ट्रासाउंड हुआ है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ना कोई बड़ा डॉक्टर, कोई कोई देखने नहीं आया है, कुछ भी है। एक बार कहे है पर्ची कटवाने पुरानी इमरजेंसी चले जाओ, एक बार कहे है पीछे चले जाओ, इधर उधर तो हमने धक्के खवान लाग रहे, यानी खोखला खेल बना रखे। हाँ बिल्कुल। तो फिलहाल भाई तुम देख सको हो, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करा तो दिन दहाड़े जिस तरह लूटपाट हुई है, लगभग 3 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 62 लाख, 3 बैंकों का पैसा, थोड़ा बैंक थोड़ा स्पीड में होले भाई ध्यान पे, यानी कि 3 बैंकों का पीछा जो है, जो हमारे तक जानकारी है गुरु भाई, 3 बैंकों का पीछा था इसमें। जो पैसे खातर तो इन्हें सारे शहर में नाकाबंदी कर दी, हर चौक पे 20-20 पुलिस वाले खड़े हैं। मामले तो कितने भी दिखे भाई, जब मेरे पास फोन आया, मैं ड्यूटी पर अपने रोहतक पहुंचा, जब मैंने देखा हर चौक पे 5-10 पुलिस वाले खड़े थे, पर जब मैं आड़ा आगे देखा तो मेरे चाचा दो डॉक्टर भी नहीं खड़ा था, पुलिस वाला तो कोई नहीं दिखा था दूर। अच्छा, थोड़ा सा मैं दर्शकों की जानकारी दुरुस्त कर दूं, थोड़ा सा पाछ वाली हुई दर्शकों की थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कर दें। कुछ दिन पहले खट्टर सरकार का बात भरा गया था आड़े थे, यानी कि रोहतक में एक घर में 12 लाख की चोरी हुई, और वो जो पीड़ित परिवार है जो रुक के मर मर के सारे सबूत भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं करी गई। आखिर में जो है वहाँ पे जो पीड़ित महिला है जिसका परिवार में शादी थी, तो उसने बात भरिया खट्टर का, यानी कि कहने का मतलब यू है कि बहुत बुरे हालात हैं, असुरक्षित मामला हो रहा है सारा। तो इसके ऊपर कोई सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करा हूँ तो नहीं, अभी हमने पूरा रोहतक सील कर दिया, लेकिन हमने जैसे ही रोहतक में एंट्री करी हमने की सुरक्षा व्यवस्था भी दिखी आवड़े, तो जी हमने कोई पुलिस वाला नहीं दिखा जी। ये यो 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 अच्छा यो कोई नहीं पूछ लो। हाँ भाई, तो हमने तो कितनी विश्वास नहीं है PGI पे, क्यों बड़ा डॉक्टर हमें इतनी देखने नहीं आया कि के हो रहा है के नहीं हो रहा है, एक बपरान बजा दे, दुखी कर दिया। अच्छा, इब तक तो हम प्रशासनिक अधिकारियों के भी संपर्क में हो गए,
कोई पहचान करी हो, कोई गिरफ्तारी हुई हो इस मामले में, कुछ बेरा पटे हो, क्योंकि बाइक पे जुमा बहुत सातिराना अंदाज में न्यू कैश कहा जुमा धूम धूम फोर कर गए। नहीं अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए, कोई जानकारी अभी कोई जानकारी नहीं। तो भाई जो एसपी साहब हैं उदय सिंह मीणा, एक तरफ तो वेन्यू का भी हमने पूरा रोहतक सील कर दिया है, उसके बावजूद भी बदमाशा के हौसले जो है वो बुलंद हैं। हालांकि खट्टर सरकार का बात भी भरा गया, उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर प्रशासन के ऊपर काना पे कोई जू नहीं रहेंगी, और फिलहाल जो है वारदात के ऊपर वारदात इस तरह से होने लग रही है। पूरा जिस तरह से करनाल की बात करा, यानी पूरा हरियाणा में असुरक्षा का माहौल है। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? अशोक कुमार। आप इसमें शामिल थे? नहीं, मैं तो दूसरे मस्जिद को लेकर आया हूँ भाई साहब। अच्छा, एक और था वो भाई, बताओ था जो जानकारी। हाँ, क्या नाम भाई साहब? सोमवीर जी। सोमवीर, तो सोमवीर भाई इस मामले में आप लगातार शुरू से लेकर आ रहे हॉस्पिटल तक सारे मामले में गेले थे, कितना के मामला लग गया? अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है जी, पेशेंट ऐसे ही स्ट्रेचर पर है, ना कोई बेड दिया गया है, ना कोई कार्रवाई हुई है, अल्ट्रासाउंड के अलावा और कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। गोली कौन काटी गई? कुछ नहीं काटा गया, दो गोली लग रही है, पेन के साथ निशान लगा रखे हैं जी। यानी कि भाई पेन के निशान जरूर ला दिए, लेकिन जिस फुर्ती तय बदमाश अपना कारनामा दिखा गए, वह फुर्ती की दिहाड़े कौन दिखी? ना जी, कोई फुर्ती नहीं दिखी जी, कोई इलाज नहीं हुआ अब तक। यू इसका एक कारण और भी है भाई, जब आम आदमी के लबीता है, जब उसका इलाज में कोताही बरती जावे है, जब कोई और बड़ा अधिकारी, बड़ा अफसर, बड़ा नेता होता, मेरे ख्याल पहले तो सारा कैट गुट का पट्टी हो लेंगी। दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हैं जी, इसीलिए कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, बस कुछ ऐसा ही लग रहा है। रमेश नाम है ना उसका? और इसके गिल्ले जो और कर्मचारी थे उनके के नाम है भाई? उनका नाम नहीं पता जी, उनका नहीं पता। वह तो ये चाचा जी बता रहे थे जब गोली चली तो भाग गए थे। अच्छा अच्छा, ज्यादा हम तो ज्यादा बात नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो करवा के, और क्योंकि हम पूछा है उन पे, यो प्रोटोकॉल ही फॉलो हुआ है, आप आए हो, नहीं तो उससे पहला कोई प्रोटोकॉल नहीं आड़ा, कितने बंदे आओ जाओ कोई ना कोई मतलब नहीं है। ठीक, यो प्रोटोकॉल ही चालू है, आप दिख गए थे ये आड़ा सारे खड़े हो गए। हाँ सही, ठीक कह रहे हो, न सही कर न, बिल्कुल ये पब्लिक की आवाज है भाई, ये पब्लिक की आवाज है, और ये ठीक कब है मरे पास इलाज शुरू होगा, ऐसा काम कर रखे इन्हें तो। बिल्कुल वो तारीख पर तारीख वाला मामला चल रहा है भाई, वही बात कहूँ, जब कोई वीवीआईपी होता नहीं, उसका इलाज फट दे हो जाता, लेकिन एक आम आदमी है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही, ये काम हो रहा है भाई। बिल्कुल ये काम हो रहा है। और सीएमओ ने यू बैरिकेडिंग करा दी हमारे खातर, भाई भीतर भी ना बढ़ो। हाँ भाई आ लिए कि सीएमओ साहब आ लिए? तो मरीज तो बात तो करने दो, हमने तो बात करनी, पूछना है उसकी हालत की। परमिशन ले ले, हमें ले लो, परमिशन ले लो भाई। वीडियो ट्रीटमेंट तेरा क्या? ट्रीटमेंट कुछ नहीं हो रहा था भाई उसका, नहीं कि ग्लूकोज की कोई पाइप भी लग रही उसका, ना हमने कोई दौरे कोई नर्स देखी ना कोई डॉक्टर देखा, तो यानी कि हमने तो ईसा भी लाग गया है। हमने तो एक बात हो रहा है, हमने ईसा लाग गया भी, ये न्यू बाटे न्यू देखे हैं, अगर भाई यू तड़प तड़प के हो जे फिर पूछताछ का मामला हो जाएगा। अच्छा एक और बड़ी बात है, इब कोई बयान भी कौन लिया गया है? पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी मिलकर गए हैं? ना जी, हमारे तक जो जानकारी है मेरे ख्याल से इब तक कोई बयान भी जो है जो पीड़ित, तो फिलहाल जो है ये लाइव तस्वीरों तक हम देखने लग रहे हो, और यानी कि मरीजों खातर भी बड़ी बड़ी सिफारिश की जरूरत पड़े है, और सीएमओ साहब जवाब देने की बजाय अपना आगे तो सिक्योरिटी ला दी और कुण में बढ़ गए, अगर भी कदे जवाब देना पड़े भाई। एक चीज और मैं बताऊं, जो कर इतनी बार होली तब न भी 5-7 मरीज तो हो गए होंगे, देख दे 10-15 मिनट के भीतर 5-7 हरा गए केस। हम 2 बजे गए, यहाँ सोच 2-2.5 बजे तो इफ्ती मारी के लिया की हो रही होगी, ऊपर तो गर्मी देख किसी घर काम को लामनी सर पर सार डाल के छोड़ के बैठे। तो भाई भाई देख इतना नहीं आकर भाई, देख कितने से मसाल तो हम रेड न्यू करें जाएंगे, कोई नहीं आगे। हाँ जी आप हुसैन मसाल नहीं बताओ, वो मरीज देखो तड़पण लग रहा है, आज भाई एक दो दिन आ जाओ मिलवा लेंगे। आज तो भाई तम फिलहाल तक हम देख कर गए थे, फिलहाल भी वो स्ट्रक्चर पर तड़फड़ लग रहा, नहीं, नहीं, नहीं। तीन गोली लग रही उसके। क्या नाम जी आपका? डॉक्टर इमरान खान है। डॉक्टर इमरान खान, हाँ जी, जो स्ट्रेचर है ना, हाँ जी, सीटी स्कैन तो स्ट्रेचर पे ले जाकर कराएंगे ना, बेड तो जाएगा उसके, उसके संभाल के लिए कोई नर्स नहीं कोई डॉक्टर नहीं उसके, इतना गंभीर मामला है, तीन गोली लग रही है और गवाह भी है जिसमें चश्मदीद गवाह भी है, आप देख लो मरीज को खुद अपने आप देख लो।
हाँ जी कुछ होया ट्रीटमेंट शुरू लागी है पहली ग्लूकोज कैमरामैन थी को आगे पर दिखा हुआ है देख लो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है ऐसा कुछ नहीं है पहले दिया कोई ट्रीटमेंट आपको बता देते हैं दूसरी लग दीजिए ग्लूकोज ये देखिए ग्लूकोज की टाइमिंग बता देते हैं आपको ये मरीज आया हमारे पास 140 पे आया 140 पे 140 पे इनके पास आ लिया पूरा फ्रेम दिखता है ठीक ठाक अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए दर्शक ने कितनी क्या नाजुक हालत है कित कित गोली लगी इनके बाबूजी अभी सीटी की रिपोर्ट आ जाएगी एक बार ऑर्थो वाले को बुला दे एक बार यू बताओ जी कोई पहले नु को है भी पहले रेकी करी गई थी आपका आप लोगों का पीछा कराया गया था कोई जानकारी कोनी हुई इस बारे में ना जी ऐसी कोई जानकारी नहीं दिया हम तो वहाँ कैश डाल दे गए थे एटीएम में गाड़ी रोकते ही पीछे से एकदम वारदात कर दी पहले आपके हथियार छीने गए थे या गोली मारी गई थी पहले पकड़ लिया एक ने गोली मारी दूसरे ने गन खोस ली मेरी अच्छा तो उस टाइम आपने कोशिश करी जी फायर कर दिया मतलब गन खोस ली जी मैं तो खाली हाथ हो गया उसने गोली मारी फिर गन खोस ली बाइक कौन सी बाइक ले रहे थे बाइक नहीं कैश वैन पे था जी नहीं कैश वैन पे तो आप थे वो जो लुटे रहे थे वो बाइक देखे नहीं जी मैंने क्या पाए थे किस चीज पाए थे किस पर हाँ जी तो मारते रहो जो इनपुट है मारते रहो जो जानकारी है बाइक पाए थे लुटेरे एक बाइक पे स्प्लेंडर बाइक थी शायद और जो पुलिस प्रशासन को एक भी हमने पूरे चार चौकस प्रबंध कर दिया अच्छा डॉक्टर साहब क्या नाम है जी डॉक्टर अमित मोर डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ तो गोली लग रही है कितनी नाजुक स्थिति है इनकी एक तो राइट कुल्ला में लग रही है गोली और जो कि इधर से निकल गई मिडिल साइड से थाई के और दूसरी गोली इसके पीठ में नीचे इससे में लगी है एक गोली अभी भी इसमें मतलब ये अपने राइट साइड फिलहाल इनकी पोजीशन की है गोली कद काटी जाऊंगी क्योंकि 1:30 बजे यहाँ पेशेंट आ लिया है और उसके बाद इनका इब लग भी इलाज शुरू को नहीं हो रहा क्या क्या इलाज शुरू नहीं गोली काट दो ना इनकी गोली दिक्कत पहले लोकेट होएगी गोली कहाँ पे है उसके बाद ही प्लान होता है पहले ऐसे नहीं है कि गोली लगी गोली के अंदर जहर नहीं हो फैल लगा उस नुकसान नहीं देखो मारते ज्यादा जानकारी तो आपने ऐसा कुछ नहीं होता कई बार गोली अंदर भी छोड़नी पड़ेगी जो कि निकालने लायक नहीं है कि ऐसी जगह है कि हम एसेस नहीं कर सकते तो वो अंदर भी छोड़ी जा सकती है ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन डॉक्टर साहब जो इनके परिजन है जो उनका न्यू कहना है कि भाई संभाल नहीं करी गई टाइम पे इनका गौरव बाहर रह गए मेरे ख्याल से तो सारे टेस्ट हो रखे हैं इनके बस सीटी की रिपोर्ट की वेट है वो तो आ जाएगी थोड़ी बहुत स्थिति सामान्य है क्यों करेंगे कौन सा प्रिजन ये गौरव भाई लेट से मारा तो हमने भी दिक्कत तो लेट ही है जब 1:30 बजे आया है और अब तक सिर्फ सीटी स्कैन हुआ है उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक अल्ट्रासाउंड भी हुआ है उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई आमतौर पर डॉक्टर साहब इमरजेंसी में प्राइवेट में जाते नहीं पेशेंट आया है पहले उसका क्या जरूरी है कि भाई चेस्ट ठीक है पेट ठीक है सिर में कोई वो नहीं है डॉक्टर साहब मैं भी मेडिकल लाइन पे हूँ ठीक है अगर 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 6 घंटे में ईसीजी और बीपी चेक हुआ है ना तो इस तरह बढ़िया पीजीआई ने बंद कर दो देखो ठीक है देखो ये पहला मामला नहीं डॉक्टर साहब पहली बात तो आप डॉक्टर साहब ये पहला मामला नहीं अरे ये देखो इसका क्या हो रहा है क्या रह रहा है ये अकेला ये मरीज नहीं है जो ट्रीटमेंट लिखी आपकी बात ठीक है अकेला ये मरीज नहीं है डॉक्टर यहाँ पे आप भी अकेले नहीं हो आपके साथ 4-5 डॉक्टर और भी बैठे हैं सीएमओ साहब भी यहाँ चलो फिलहाल तो मैं एक बात कहूंगा एक मिनट पूरा मरीज कितने बजे आया था क्या नाम डॉक्टर साहब आपको पता है मरीज कितने बजे आया था ये आया 1:30 से 2 के बीच में आया कार्ड देखो अभी इसका कितने बजे का हाँ तो कितने बजे अच्छा सुनो डॉक्टर साहब हम तो नहीं काम हरा भी छोड़ दो इलाज शुरू कर दो चक्कर छोड़ो सीधी बात है एमएलआर कटती है पेशेंट की उससे पहले भी हमने पेशेंट को देख लिया था एमएलआर कटने के बाद पेशेंट भर्ती हुआ पेशेंट को पेट में चोट है कि नहीं है छाती में देखो जो पीछे गोली है वो पेट में भी तो जा सकती है कौन सी तो पहले पेट जरूरी है पहले पेट में चोट लगी है कि नहीं वो देखा फिर छाती में देखा कुछ एक्सरे में कुछ इस तरह का भी आया कि कितने एमएम की गोली कौन सी की लग रही फिर हमें पता लग गया कि गोली एक्सरे से कि गोली यहाँ पे है फिर अल्ट्रासाउंड से लोकेट करने के लिए कि भाई गोली वहाँ है कि नहीं है अल्ट्रासाउंड करवाया गया दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया गया कंफर्म करने के लिए और उसको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे देखने के लिए अब सीटी कराया गया सब हम तो एक बात कहूँ तो आप ये बताओ कि गोली लगी है तो ये नहीं पता चीरा कहाँ देना चीरा तो नहीं मार बात भी ना करो इसका इलाज शुरू कर दो सीधी बात है क्यों थी अच्छा हथियार कौन सा था देसी कट्टा था कोई कौन सी कुछ पहचान थी देखा नहीं जी मैंने क्या ले रही थी कौन सा हथियार था कौन सा चलो खैर फिलहाल जो है कुल मिलाकर बात यह है
कि लाचार व्यवस्था है, चाहे प्रशासन की बात करा, शासन की बात करा, या हॉस्पिटल की पीजीआई के मामले की भी अगर मैं बात करूं तो मारे धोरे घने फोन आवे हैं पीजीआई रोहतक है कि आड़े जो है लापरवाही बरती जावे है। उस लापरवाही के चलते कई सारे पेशेंट हैं जो न्यू कहें भी हमने अपने पेशेंट खातर सिफारिश करनी पड़े है। तो ये हालात हैं रोहतक पीजीआई और ये जो ट्रामा सेंटर है, और हम तो इसने ट्रामा सेंटर को निकल दे ड्रामा सेंटर का, वहाँ ये ड्रामा सेंटर है, ड्रामा घना हुआ है, इलाज कम। हालांकि जो डॉक्टर हैं उनका न्यू कहना है कि भाई हमने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, गोलियां का न्यू बेरा लगाना जरूरी था, भी कित कित गोली लग रही है, कितनी उन गोलियां की वजह से चोट लग रही है, हालात से जो भी हो, लेकिन प्रशासन की पोल खुला है कि हर बार इतनी बड़ी बड़ी वारदात हो जाए और अपराधियों के जो हौसले हैं वह घने बुलंद हैं। तो तम भी कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखियो कि हरियाणा जो है फिलहाल किस दौर तक गुजरने लग रहा है, कॉमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो। ठोको शेर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।